डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड्स ऑफ लेसन नंबर 8 क्वेश्चंस। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड इज ट्रैवल। स्पेलिंग ऑफ ट्रैवल इज TRAVEL, ट्रैवल। ट्रैवल क्या होता है? कहीं पर ट्रैवल करना, घूमने जाना, कहीं पर चलना, किसी यात्रा को जैसे हम करते हैं तो उसके लिए ट्रैवल बोला जाता है। नेक्स्ट, गैलेक्सीज। स्पेलिंग ऑफ गैलेक्सी इज GALAXIES, गैलेक्सीज। जो ये उल्का पिंड्स होते हैं उनको गैलेक्सीज कहते हैं। थर्ड, बीस्ट। स्पेलिंग इज BEAST, बीस्ट, एनिमल। फोर्थ वर्ड इज स्विंगिंग, SWINGING, स्विंगिंग मीन्स झूला झूलना, जिसको कहा जाता है जैसे झूलते हैं तो उसके लिए स्विंग करना हम वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अनरेवल। स्पेलिंग इज UNRAVEL, अनरेवल। अनरेवल क्या है कि जो पजल्स जिसकी वो बात कर रहा था उसको सॉल्व करना, उसको सॉल्यूशन निकालना, उसके लिए अनरेवल वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट इज अनवाइंडिंग। स्पेलिंग इज UNWINDING, अनवाइंडिंग मीन्स किसी चीज़ को ओपन करना। सेवेंथ, मिस्ट्री। स्पेलिंग इज MYSTERY, मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या होता है? सीक्रेट्स। एट्थ वर्ड मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? पिघलना, किसी चीज़ का पिघल जाना। स्पेलिंग इज MELTING, मेल्टिंग। नाइन्थ वर्ड डायनेस्टी। स्पेलिंग इज DYNASTY, डायनेस्टी। अब डायनेस्टी क्या होता है? मैंने आपको बताया था जैसे वंश जो चलता है कि हमारी फैमिली और उसके आगे उनकी फैमिली, उनके पेरेंट, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसके लिए वर्ड यूज़ होता है डायनेस्टी। तो यहाँ पर डायनासोर की डायनेस्टी के बारे में बात की गई थी इस पोएम में। सो दिस इज़ द कीवर्ड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट इज ट्रेवल, देन गैलेक्सीज, बीस्ट, स्विंगिंग, अनरेवल, अनवाइंडिंग, मिस्ट्री, मेल्टिंग और डायनेस्टी। आफ्टर दिस स्टार्ट वर्ड मीनिंग्स। व्हाट इज़ द फर्स्ट वर्ड? हर्ड। हर्ड क्या होता है? किसी चीज़ को फेंकना, मीनिंग इज थ्रोन। नेक्स्ट, हर्टल्ड। हर्टल्ड मीन्स डैश्ड और रेस्ड, किसी चीज़ से टकराना, तेज गति से टकराना, उसके लिए हर्टल्ड वर्ड यूज़ किया जाता है। थर्ड वर्ड इज बैंक। बैंक क्या होता है? धमाका, एक्सप्लोजन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंक? एक्सप्लोजन। फोर्थ, कोलोसल। मीनिंग इज ह्यूज, यानी कि बहुत बड़ा। फिफ्थ, फॉसिल। फॉसिल मीनिंग ओल्ड रिमेन्स, मीन्स जो पिछले जीवाश्म थे, जो पिछली चीज़ें थी उस चीज़ के लिए फॉसिल वर्ड यूज़ किया गया है। सिक्स्थ, क्लू। क्लू क्या होता है? किसी चीज़ का हिंट देना, क्लू, हिंट। सेवन्थ, एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स क्या होते हैं? जो हमारे पूर्वज हैं, फोर फादर्स। एट्थ वर्ड हैवी वेट। हैवी वेट मीन्स इम्पोर्टेंट और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिविटी, मीन्स जब किसी के ब्रेन में जो है बहुत ज़्यादा उसका माइंड शार्प है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके पास, तो इस टाइप के माइंड्स को हम क्या कहते हैं? हैवी वेट। नाइन्थ वर्ड रीडल। अब रीडल क्या होता है? पजल, यानी कि कोई रीडल, हम कोई पहेली सॉल्व करना है हमें तो उसके लिए रीडल वर्ड को यूज़ करते हैं। लास्ट वर्ड इज मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या होता है? सीक्रेट्स। आई एम रिपीटिंग ऑल द वर्ड मीनिंग्स अगेन। हर्ड, थ्रोन, हर्टर्ड, डैश्ड और रेस्ड, बैंग, एक्सप्लोजन, कोलोसल, ह्यूज, फॉसिल, ओल्ड रिमेन्स, क्लू, हिंट, एंसेस्टर्स, फोर फादर्स, हैवी वेट, इम्पोर्टेंट और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रिएटिविटी। नाइन्थ इज रीडल, मीनिंग इज पजल।
10th is mystery, meaning is secret. So dear students, these are the word meanings. Now let's start with the rhyming words of this poem. आपको मैंने बताया था rhyming words क्या होते हैं, कि जब दो words की sound जो है वो similar होती है, same sound आती है, उसको हम rhyming words कहते हैं. तो हमें इस poem में से rhyming words देखने हैं. अब let's start. How now, देखो sound same आ रही है ना, how now, spelling same नहीं होती है, only sound same होती है इनकी. Apart, start. Apart, start. When, men. When, men. Grow, no. Go, show. देखो sound same आ रही है ना. I am repeating again. How, now. Listen carefully. Apart, start. When, men. Grow, no. Go, show. These are the rhyming words. Last topic is make sentences. Let's start with the make sentences. Here three words. In each and every chapter, I told you that write different sentences. आपको मैं जो example देती हूँ sentences के, वो same as it is write नहीं करने हैं आपको. आपको खुद से write करना है sentence को. Let's start with the first word. मिस्ट्री. अब मिस्ट्री क्या होता है? सीक्रेट्स. अब इससे रिलेटेड हमें सेंटेंस राइट करना है. क्या क्या सेंटेंस राइट कर सकते हैं? आई लाइक मिस्ट्री नॉवल्स, कि मुझे सीक्रेट वाली जो नॉवल्स हैं वो बहुत पसंद है, मतलब जिसमें कुछ सीक्रेट सीक्रेट सा होता है. नेक्स्ट, द मिस्ट्री स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व, कि जो सीक्रेट था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है. आई एम रिपीटिंग अगेन. फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक द मिस्ट्री नॉवल्स. The mystery still remains unsolved. Second word is bang. Bang का मतलब कहते हैं explosion, धमाका किसी चीज़ का होना. Sentences. The door shut with a bang, कि जो दरवाज़ा था वो एक बहुत बड़े धमाके के साथ बंद हुआ. अचानक से जैसे किसी ने बंद किया तो बहुत तेज़ से साउंड आती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या वर्ड किया उसने? Bang, कि जो डोर है वो बहुत बड़े धमाके के साथ बंद हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सडनली देर वॉज अ लाउड बैंग, कि अचानक से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ. वट आर द सेंटेंसेज? फर्स्ट इज द डोर शट विद अ बैंग. नेक्स्ट इज सडनली देर वॉज अ लाउड बैंग. लास्ट वर्ड रीडल. रीडल मैंने आपको बताया पजल, पहेली को बोला जाता है रीडल. आई डोंट एन्जॉय रीडल्स, कि मैंने जो है रीडल्स को एन्जॉय नहीं किया. नेक्स्ट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व द रीडल, वो क्या कह रहा है कि चलो हम ट्राई करते हैं इस रीडल को सॉल्व करने की. वट आर द सेंटेंसेस? आई डोंट एन्जॉय रीडल्स. लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द रीडल. सो डियर स्टूडेंट्स, आर 8th चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड राइट कीवर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, rhyming words, make sentences in your fair notebook.